अजब गजब घर जमाई। अबे काले खजूर दरवाजा खोल। नानी जी, आप पर किसी ने कोई पत्थर अत्थर तो नहीं फेंका? नहीं, पर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो मान? सवाल के बदले सवाल, खैर छोड़िए। पर नानी जी, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कोई आपके पीछे आ रहा है? हो सकता किसी ने किया हो, लेकिन हमें पता नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है नानी जी? आजकल तो साइंस भी इस बात को मानता है कि अगर कोई आपको घूरे तो तुरंत आपके भीतर वाइब्रेशन होता है और आपको पता चल जाता है, और आपका जिसने पीछा किया होगा उसने आपको घूरा भी होगा, तो फिर आपको पता कैसे नहीं चला? तुमको पता चला? हम तब से तुम्हें घूर रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई वाइब्रेशन हुआ? लेकिन महान एक बात बताओ, तुम ये इंक्वायरी किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? नानी जी, आपका पीछा करने वाला कोई और नहीं, साड़ू भाई है, और वही है काला भेड़िया। महान, क्या कह रहे हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचा भी है तुमने? तुम्हारे पास चिंटू के खिलाफ कोई सबूत है? हाँ नानी जी, सबूत है। क्या सबूत है? नानी जी, आज सुबह मैंने साड़ू भाई को फोन पर किसी से पैसा देने का वादा करते हुए सुना था, और साथ ही आप जब गई थी तो उसके बाद साड़ू भाई काले रंग की ड्रेस पहनकर हेलमेट और जैकेट के साथ आपके पीछे बाहर निकले थे। आप चाहें तो पूछ लीजिए साड़ू भाई से। चिंटू, चिंटू! अरे घर में होंगे नानी जी, तभी तो आएंगे। नानी जी की जय हो। साड़ू भाई, अब आप अपने वो जैकेट और वो हेलमेट वो सब आप यहाँ बता दीजिए सबको, मुझे सब पता है। क्या पता है, और इतनी गर्मी में ये सब क्यों पहनूंगा मैं, पागल हूँ क्या? अगर आपने पहना नहीं था तो फिर इतना पसीना क्यों आ रहा आपको? बताओ नाना जी, इतनी गर्मी में आदमी को पसीने नहीं आएंगे तो क्या आएगा? वो देखो, नाना जी को भी पसीने आ रहे हैं। गर्मी इतनी है, मेरे को लग रहा है कि आपके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। अब थोड़ी देर में कह देना कि कंबल ओढ़ के क्यों नहीं आए, रजाई कहाँ पे छोड़ के आए हो? साड़ू भाई, ये सब बातें बोलकर आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। और अगर गर्मी है तो फिर आपने गर्मी में ये ग्लव्स क्यों पहने, वो भी इतनी गर्मी में? ये तो हमने चिंटू जी को गिफ्ट किया था। जब भी चिंटू जी बाइक चलाते हैं वो इसे जरूर पहनते हैं। नानी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बेमतलब के सवाल क्यों किए जा रहे हैं मुझसे? महान जवाब देगा, क्यों हो रहे हैं बताओ। अब इसका जवाब मैं देता हूँ। पहला तो ये कि आप हीरो बनकर काला भेड़िया पकड़ना चाहते थे, और दूसरा ये कि आप फोन पर किसी से पैसे देने की बात कर रहे थे कि चेक क्लियर हो जाएगा तो मैं दे दूंगा पेमेंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सट्रॉशन वाले लेटर की आपने फोटोग्राफ खींचकर किसको भेजी? मैं सुबह से इनको देख रहा हूं, ये फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रहे थे, और नानी जी आपके जाने के बाद साड़ू भाई हेलमेट जैकेट और ग्लव्स पहनकर आपके पीछे गए, ये मैंने और नाना जी दोनों ने देखा था। पन्ना जी, तुमने भी देखा था? मैंने थोड़ी ना देखा, इसने कहा मैंने मान लिया, क्यों झूठ बोल रहा है, मैंने कब देखा? नानी जी, आप इनके कमरे की तलाशी लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। एक सवाल पूछ लूं आपसे, नकली मूछ लगा के कहां घूम रहे थे आप? मसब, मूछ मतलब कैसी मूछ? इस मस्से के किस्से को तो बाद में सुलझाएंगे साड़ू भाई, लेकिन पहले ये जो मूछ जेब में डाल, ओहो बंद करो तुम दोनों, हम वैसे इतने टेंशन में और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। आज अभी तक तो उस काले भेड़िए ने कुछ नहीं किया, लेकिन कल बताओ ये कांच, बेटे की जान, चेतावनी, कल शाम तक का समय है आपके पास।
अजब गजब।